तो बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बिहार की सियासत पर यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया है। यह बड़ी अपडेट बिहार के सियासी हलचल से जुड़ी, आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया है। सीएम पद का ऑफर दिया गया है जीतन राम मांझी को। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया है। लगातार आरजेडी जो है वो भी अपने गुणागणित बिठा रही है, वो भी अपने समीकरण देख रही है। अब आरजेडी ने नीतीश कुमार को ये खुली चुनौती दे दी है अगर सीएम पद ऑफर किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया गया है। तो मतलब ये खुली चुनौती है नीतीश कुमार को। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अभिषेक उपाध्याय, प्रकाश कुमार और संदीप सर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सीधा संदीप के पास आपको लिए चलते हैं। सर, ये बहुत बड़ा ऑफर है, मतलब भले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहे लेकिन सत्ता पर आरजेडी काबिज रहे, उसी के लिए ऑफर किया गया है। ये बार पलटवार है, जो ये चौसर बिछ गई है, जो ये शतरंज की बाजी बिच गई है बिहार में, उसमें एक बड़ा मूव यहां पर आरजेडी करती दिखाई दे रही है। आरजेडी ने मुझे जो जानकारी दी गई है, विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है, आरजेडी ने जीतन राम मांझी को प्रस्ताव दिया है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अब इसमें गणित समझने की जरूरत है विवेक। 122 बहुमत का आंकड़ा है, 45 घटा दो जेडीयू के, तो आरजेडी, कांग्रेस, वाम खेमा और निर्दलीय मिलाकर यह संख्या 116 होती है। HAM जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसके 4 विधायक हैं, संख्या 120 तक चली जाती है। और कल भी मैंने ये जानकारी दी थी, जेडीयू खेमे में ऐसा नहीं है कि 45 के 45 विधायक लामबंद रह पाएंगे। 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र यादव का है जो खुद मंत्री हैं। तो अगर 2-4 और टूट जाए तो 120 जमा सिर्फ 2 विधायकों की जरूरत है, तो सरकार आरजेडी की बन सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा जीतन राम मांझी होंगे, तो यह दबाव की राजनीति में पलट दबाव का बार खेला है आरजेडी ने, और नीतीश को कहीं ना कहीं एक जवाब भी दिया। तो ये नीतीश को जवाब देने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि सरकार में रहने के लिए वो कुछ भी, कोई हथकंडा अपनाने को तैयार है? नहीं, हथकंडे तो सभी अपना रहे हैं, ये तो खुली मंडी हो गई है। अगर हम बीजेपी, जो नीतीश कुमार को मौका परस्त और पलटूराम कहती थी, तो बीजेपी भी मौका परस्ती कर रही है। जो सारे दरवाजे बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए थे दर्जनों बार, ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही। अब हाल फिलहाल में वो कह रहे हैं कि भाई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, और अब बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान आ रहा है कि किसी के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं। तो बीजेपी अगर सेंधमारी कर रही है तो पलटवार आरजेडी की तरफ से भी हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं सरकार में तो हम ही रहने वाले हैं और सरकार बरकरार रहेगी। या एक और बड़ा खेल जो हो सकता है कि विधानसभा भंग करने की नौबत आ जाए और बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों, और वहां पर सिंपथी लेने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। यह मत भूलिएगा कि जीतन राम मांझी दलित हैं, तो दलित चेहरा, पिछड़े, अति पिछड़े, यादव और मुस्लिम वोट बैंक, तो वो लामबंदी, गोलबंदी भी चुनावी रणनीति के तहत करती दिखाई दे रही है आरजेडी। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। दानिश रिजवान, हम के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुख्यमंत्री पद आपकी पार्टी को ऑफर हो गया, जीतन राम मांझी अगले मुख्यमंत्री होंगे मान लिया जाए? जी, अगर वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट की जो घोषणा करेंगे तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव जो बिहार में होगा वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मतलब साफ है कि वो हमें कोई भी ऑफर से हमें स्वीकार नहीं है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आप अपने चुनाव में करेंगे। लेकिन ये आप जो आप बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद भी ऑफर दे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बयान बदलते रहते हैं ना, अंदर की खबर क्या है? पहले तो कल ये भी बताया जा रहा था बिहार की राजनीति में सारे नेता सामने आए कह रहे थे कि नहीं नहीं अंदर सब ठीक है, आज तो अलग ही सिनेरियो दिख रहा है। देखिए, आपके अभी लाइव में आपके साथ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं, हमने डिबेट में कहा था
कि जब बिहार में तबादले होंगे तो तबादला तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। बिहार तबादले शुरू हुए और स्पष्ट हो गया, इसीलिए हमारे नेता श्री किशन राम पार्टी ने एक हफ्ते पहले कह दिया था कि बिहार खेला हो पे खेला हो, और अब बिहार खेला की तरफ जा रहा है, मैदान सज चुका है। कुछ घंटे का इंतजार करिए, कुछ घंटे में महाबली बोल रहा हूं, दानिश रिजवान, संदीप चौधरी बोल रहा हूं, मेरे पास ये पक्की खबर है कि न्योता दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है आरजेडी की तरफ से कि जीतन राम मांझी आप मुख्यमंत्री बन जाइए। आप सीधे मना कर रहे हैं, इस न्योते को, इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं क्या? आप राजनीतिक सलाहकार हैं जीतन राम मांझी के। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, राजनीति में जब सत्ता डफाडोर होती है तो सच्चा बल दिखा जाता है, और जिसके पास क्या बल होते हैं उसको इस तरह का ऑफर मिलते हैं। हाँ या ना में जवाब दे पाएंगे दानिश भाई, प्रस्ताव को हाँ है कि ना है, या अभी इंतजार करेंगे? ना है, पूरी तरीके से ना है, और पूरी तरीके से ना है। हमें बिहार का विकास देखना है, हमारे लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जरूरी नहीं है, हमारे लिए बिहार का विकास जरूरी है, और बिहार का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व होना होगा। तो चारों के चारों जो आपके विधायक हैं वो एनडीए में ही बने रहेंगे? पूरी तरीके से एनडीए के साथ हम इंटैक्ट है, और अगर हम इंटैक्ट है तो इसका मतलब है कि हमारे विधायक भी एनडीए के साथ इंटैक्ट है। तो इस बाबत जीतन राम मांझी अपना बयान खुद कब देने वाले हैं? जीतन राम मांझी जी, आप इंतजार करिए, जल्द ही इस पर, इस मामले पर भी आप उसका स्टेटमेंट दे देंगे। देखिए, एक सच्ची बड़ा स्पष्ट, हम पेपर से पहले आपके साथ टीवी डिबेट पे बैठे हुए थे, तो आपने ये कहा था कि राजनीति में ये कैसे होता है। हमने आपको स्पष्ट तरीके से कहा था कि जब राज्य में ट्रांसफर होने लगेंगे तब वो ट्रांसफर का लिस्ट तय कर देगा कि सरकार किस तरफ जा रही है, और अब चीजें स्पष्ट है। आप देखिए, किसी को भी आप कहिएगा हम राजा बना देंगे, और कहिएगा कि नहीं आप राजा पक्ष कहिएगा तो वो आपके साथ रहेगा। प्रधानमंत्री पद का आपकी उम्मीदवार घोषित करा था पूरा बिहार मारी की तरफ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।